नमस्ते। मैं टीसीएस को शॉर्ट मार दिया, मार्केट रडर में डाल दिया क्या? ओके। अब फाइन, नो प्रॉब्लम। ये इसको मार्केट रडर में इसको शॉर्ट कर दिया, ये नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखते हो, वेर इज इट, आईटी लो ब्रेक कर रहा है, ये हाई नहीं ब्रेक कर रहा है, लोअर लो कर दिया। ओके। निफ्टी भी वो लेवल से 34 जो मैं बताया था उसके ऊपर खुला है, उसको ब्रेक करेगा नीचे, ये गिर जाएगा। ओके। फाइन। ऑलरेडी ये कोई करंट से ये हाई को टच नहीं करना है, दैट विल सर्व एज अ रेजिस्टेंस फॉर टुडे, दैट इज द टॉप फॉर टुडे। ये नीचे आज नीचे गिरना चाहिए, एक अच्छा खासा सेल ऑफ बोलते हैं इसको, सेल ऑफ हो सकता है। निफ्टी भी ये लेवल को तोड़ दिया तो ये नीचे गिर जाएगा। हाँ, ऑल राइट, फाइन फाइन फाइन। इन्फी भी ये नीचे सरकना चाहिए, ब्रेकआउट हो गया, अभी ये ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है। इन्फी डेफिनेटली ये नीचे गिरेगा। ओके। इन्फी ये नीचे गिर जाएगा अभी। ओके। ये जोन है, अगर कोई ब्रेकआउट लेवल मिला उधर से, वो गिर के ये 35 तक ये आज आ सकता है। हाँ चलो, हाँ मैं अपडेट करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके। अगर आप देखते हो, जो 34 लेवल है उसको एग्जैक्टली सपोर्ट मिला है, उसको ब्रेक डाउन नहीं किया। अभी क्या है, ये वीकली का है, इधर से ब्रेक इन सीडर का बाई मत करो भाई, ये मर जाओगे, मतलब मर जाओगे मतलब स्टॉक मार्केट में, आज नहीं। हाँ, ब्रेक इन साइड इधर से हो सकता है। ओके। तो टीसीएस देखो, ये वीडियो में बताया था वो एनालिसिस, उसमें एक लॉस लॉन्ग बना है, उसको ब्रेकआउट किया है विद वॉल्यूम, ये कन्फर्म हुआ है, तो ये नीचे गिरना चाहिए। देखेंगे कैसे ये गिरेगा, क्या होगा बोल के। आई हैव प्लेस माई ऑर्डर ऑन द टॉप ऑफ दिस टुडे। अगर आज ऊपर जाना है तो वो मतलब नीचे गिरना है तो टॉप को नहीं तोड़ना है। हाँ देखेंगे, शायद ये गिर जाएगा। हाँ ओके ओके, लेट्स सी, मतलब इन्फी भी ये नीचे गिर जाएगा, लेट्स सी। ऑलराइट। हाँ ये देखो, ये ब्रेक इनसाइड होने का कोशिश कर रहा है, एग्जैक्ट वही लेवल्स पर, इधर से ये गिर जाएगा भाई, ऊपर नहीं जाएगा। रिलायंस भी अभी शॉर्ट होना चाहिए। टीसीएस अच्छा खासा नीचे गिर जाएगा, ये सेल ऑफ बोलते हैं इसको, नीचे मतलब ये लास्ट बाई था, उसके नीचे एक क्लियर कट क्लोजिंग दिया है, तो जो लास्ट सेल हुआ था ये वाला, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अभी ये गिर जाएगा। ओके लेट्स सी। हाँ, ये लेवल के नीचे जो कुछ भी होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। तो हाँ, आई हैव केप्ट स्टॉप लॉस ऑफ 68, आई विल कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 61, कल का डे हाई, उसको टच नहीं करना चाहिए। देखेंगे कैसे ये मूव होता है, देख लो मार्केट, ये ब्रेक इन साइड होना चाहिए, एग्जैक्ट इस सटीक सा लेवल है, लास्ट वीक का हाई है, इधर से ये ब्रेक इन साइड होना चाहिए, कन्फर्मेशन भी मिला है, तो ये क्या स्ट्रक्चर था, हायर आई, क्या स्ट्रक्चर था, हायर आई, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट। ओके, कोई सपोर्ट अभी ये जनरेट हुआ है, अगर ये टूटा, 57 टूटा, तो आराम से ये नीचे गिर जाएगा, 57 टूटना है इसको। चलो इसको अपलोड कर लेता हूँ, देख लो भाई क्या होता है मार्केट में। इन टीसीएस में ये लास्ट मोमेंट तक इसमें क्या होना चाहिए, सेल ऑफ होना चाहिए, इसका जो भी टारगेट है वो समवेयर हियर। ओके, मतलब ये वाला ये टारगेट है, मुझे पता नहीं है आज ये मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन इधर तक तो इसको आना है। ओके, 3200 मेरा टारगेट है, उसके पहले अगर कोई सपोर्ट मिल जाता है। ओके, निफ्टी आईटी क्या कर रहा है, निफ्टी आईटी क्लियर कट नीचे ट्रेड हो रहा है, इसके पास अभी भी ये हायर ही किया है, फाइन 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 रही है। ओके ओके, हायर आई, ओके ऊपर जाना चाहिए, लेट्स सी, अगर कोई सपोर्ट मिल जाता है तो मुश्किल होगा, क्यों भाई, ये इधर से सेल होना चाहिए ना, क्या सपोर्ट मिलेगा, देखेंगे। हाँ, रिलायंस भी अगर कोई सपोर्ट फॉर्म करके, सपोर्ट को तोड़ना है अभी, नॉट इट कन्फर्म, उसमें भी एक ट्रेड में निकल देता हूँ। हाँ ओके चलो भाई, मिलता है, इसको वीडियो देख लो। हाँ मैं क्या बोलना चाहता था, सब आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, आपको सारे जानकारी मिल जाएगा। हाँ पहले स्टडी करो, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकिंग सेट क्या होता है, सटीक सा लेवल क्या होता है। मेरा वीडियो में भी मैं बताया हूँ, लर्निंग वीडियो में, उसको देखना, क्लास रिकॉर्डिंग डालता रहता हूँ, उसको ऑब्जर्व करना। अगर ये मान लो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 1200 के पास मेरा ये जाएगा, अभी उसको भी उतना भी नहीं देता हूँ, डे का हाई जो है
उसको मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, लगा देंगे भाई उसका जो भी है, उसका जो भी 68-62 कर देंगे, 62 इसको कर देंगे। ओके भाई, हाँ और बाद में बहुत सारे हाँ लोग हैं, हाँ ट्रेनिंग देते हैं पंडित लोग, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, हाँ को वीडियो देख सकते हैं, जो भी करना है आपको स्टूपिडिटी नहीं करना है। हाँ चलो भाई मिलते हैं, वी विल मीट टुमारो। अगर और कोई ट्रेड लिया मैंने, शायद रिलायंस में इन्फी गिर जाएगा, रिलायंस में एक ट्रेड मिलेगा उसको मैं एग्जीक्यूट करके और एक ट्रेड में आपको डालूंगा बाद में, शायद ए लेवल से। अगर ये सपोर्ट टूटता है, वेयर इज़ द सपोर्ट? ओके इधर सपोर्ट बनना है 57 के नीचे, आराम से ये सेल हो जाएगा। हाँ चलो भाई मिलते हैं, हाँ लेट्स लेट्स सी।